हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऐतिहासिक श्रृंखला को आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं और आज जो टॉपिक है वो है इतिहास जानने के स्रोत। इससे पिछले टॉपिक में हमने चर्चा किया था, इतिहास जानने के स्रोत में हमने बताया था कि इतिहास जानने के मुख्यतः दो स्रोत होते हैं, एक पुरातात्विक और एक साहित्यिक। चूँकि हम लोग जो है साहित्यिक स्रोत की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पुरातात्विक स्रोत की। और पुरातात्विक स्रोत में हमने जो है पिछले टॉपिक पे कवर किया था वो था अभिलेख। इतिहास जानने में जो सबसे प्रमाणिक साक्ष्य माना जाता है वो अभिलेख को ही माना जाता है। इतिहास जानने के स्रोत में सबसे प्रमाणिक अभिलेखों को ही माना जाता है। तो ये पिछले टॉपिक में हमने पूरा डिटेल से कवर किया था। और आज जो कवर करेंगे हम लोग, आज करेंगे सिक्कों, मतलब इतिहास जानने के स्रोत में सिक्कों की क्या भूमिका होती है। पूरा प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक भारत में कौन कौन से सिक्के चलाए गए थे, किस शासक के द्वारा चलाए गए थे, तो ये सारे टॉपिक को आज हम लोग पूरा डिटेल से कवर करेंगे। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि सिक्कों से भी तत्कालीन समय के बाद आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जो है पता चलता है। किस समय एक्चुअली में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे जो है सिक्कों से ही पता चलता है कि किस तरह से जो है उसमें सुधार होता गया, किस तरह से आर्थिक क्षेत्रों में गतिविधियों में जो है सुधार देखने को मिलता है। पहले प्राचीन काल के जो सिक्के होते थे वो लेखविहीन होते थे, किस तरह से लिपि का विकास होता गया और कला और कौशल डेवलपमेंट होता गया, तो ये तत्कालीन जो है सिक्कों से भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, देखने से पता चलता है। तो आइए आज हम लोग पूरा डिटेल से इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। एक्चुअली में सबसे पहले हम थोड़ी सी देख लेंगे कि मतलब सिक्कों का इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बाद फिर हम आएंगे एक एक सिक्कों के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे किस शासक के द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया था, किस धातु का था, किस समय जो है उसकी क्या भूमिका रही है, प्रासंगिकता उसकी क्या रही है। तो ये सारा टाटा जो है पूरा डिटेल से कवर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं सिक्कों का इतिहास। सिक्कों का इतिहास, सिक्कों का इतिहास आज का ये टॉपिक है, सिक्कों का इतिहास। और सिक्कों के इतिहास में, सिक्कों के इतिहास में सबसे पहले हम देख लेते हैं सिक्कों से उस कालखंड की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। सिक्कों से उस कालखंड की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। सिक्कों से उस कालखंड की महत्वपूर्ण, सिक्कों से उस कालखंड की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं, सिक्के प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सिक्के जो होते हैं वो प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। सिक्के प्राचीन काल के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। सिक्के जो है प्राचीन काल के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इसके बाद है तत्कालीन समय की, देख लेते हैं इससे किन किन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो पहला जो है ये है धार्मिक स्थिति, यानी कि सिक्कों से जो है तत्कालीन समय की धार्मिक स्थिति कैसी रही है उसके बारे में भी पता चलता है, धार्मिक स्थिति। इसके बाद है सामाजिक स्थिति के बाद देख लेते हैं तत्कालीन समय की भौगोलिक स्थिति, धार्मिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक स्थिति कैसी थी
ये सारी चीज़ें हमको जो है सिक्कों से देखने को मिलती हैं। और सिक्के जो है किस धातु के बने होते थे ये भी देख लेते हैं। प्राचीन काल में तो सिक्कों की जो धातुएं होती थी वह सोने के भी होते थे। किसके होते थे? सोने के। इसके बाद है चांदी के, सोने के, चांदी के। इसके बाद है तांबे के। इसके बाद है शीशे के। सोने, चांदी, तांबे और शीशे के जो है ये सारे धातुओं से उस समय सिक्के बनाए जाते थे। इनसे इन सिक्कों के बनाए जाने के पीछे सिक्कों के बनाए जाने के कारण जो है ये तत्कालीन धातु विज्ञान के बारे में भी पता चलता है। धातु विज्ञान के बारे में भी पता चलता है, तत्कालीन समय के धातु विज्ञान के बारे में पता चलता है। और धातु विज्ञान के साथ साथ तत्कालीन समय की कला और तत्कालीन समय की धातु विज्ञान के साथ साथ उस समय की कला और कौशल के बारे में भी पता चलता है। सिक्कों से तत्कालीन समय के बारे में कला और कौशल के बारे में भी तत्कालीन समय का पता चलता है। और इससे प्रारंभिक सिक्के जो होते थे वो लेखविहीन होते थे। प्रारंभिक सिक्के जो होते थे वो लेखविहीन होते थे। यानी कि जो प्राचीन समय जो सबसे पहले जो है जो सिक्के पाए गए हैं उसमें किसी प्रकार का लेख नहीं लिखा होता था। लेकिन बाद के सिक्कों में जो है सिक्के जो है वो लेखयुक्त मिलने लगे, यानी कि उस पर जो है बाद के सिक्के लेखयुक्त मिलने लगे। इससे तत्कालीन समय की नगरी और व्यापारिक स्थिति के बारे में पता चलता है। और साथ ही साथ इससे ये भी पता चलता है कि तत्कालीन समय की लिपि और भाषा के बारे में भी पता चलता है। तो सिक्कों से जो है ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सिक्कों से ये सारी चीज़ें देखने को, तत्कालीन समय धातु विज्ञान कैसा रहा है, उस समय की कलाकृति जो है कलाकृति कितनी उत्कृष्ट प्रकार की थी, ये चीज़ें जो है सिक्कों से देखने से ज्ञात होता है। प्राचीन काल में पहले जो सिक्के होते थे वो लेखविहीन होते थे, लेकिन बाद में जो सिक्के आए वो लेखयुक्त, यानी कि उस पर जो है लेख लिखा होता था। इसके बाद तत्कालीन समय की जो नगरी और व्यापारिक स्थिति थी इससे जो है भाषा और लिपि के बारे में भी पता चलता है, और सिक्कों से उस कालखंड की जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये कुछ जो है इम्पोर्टेंस रहा है सिक्कों की जो है महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि सिक्कों की जो है क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंस हो गए। अब एक एक करके साथ ही साथ जो है आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि इसको मिटा के फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद जो है अब हम एक एक जो है सिक्कों के बारे में देखेंगे क्या कैसे किस तरह से है उसका वो रहा है। सबसे प्राचीन काल में देखें अगर सिक्के, तो सिक्कों की जो धातुएं होती थी वो बताया हमने कि सोने, चांदी, तांबा और शीशा की आदि की धातुएं होती थी, शीशा और आदि की जो धातुएं होती थी। और जो सबसे प्राचीन सिक्का होता था उसे प्राचीन सिक्कों को
प्राचीन सिक्कों को पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। प्राचीन सिक्कों को पंचमार्क या आहत सिक्के, प्राचीन समय में जो सिक्का होता था उसे पंचमार्क या आहत सिक्का कहा जाता था, उसे पंचमार्क या आहत सिक्का कहा जाता था। और इसकी जो धातु होती थी, वह चांदी की होती थी। और इस पे कई प्रकार का चित्रांकन देखने को मिलता है, जिसमें देखेंगे तो सांड का भी चित्र देखने को मिला है। इसके बाद मछली का भी चित्रांकन इस पे मिला है, इसके बाद हाथी का भी चित्रांकन मिला है, और वृक्ष का भी चित्रांकन मिला है, तो ये कुछ जो है चित्र उस पे छपे होते थे प्राचीन काल के, जो सिक्के होते थे वह उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्का कहा जाता था। और वह जो होता था वो चांदी, की जो धातु होती थी वो चांदी होती थी। और इस पे जो है ये कई प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं। इसके बाद है, अगर हम देखें तो वैदिक कालीन की, जो मुद्रा थी, वैदिक कालीन में अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें, तो ऋग्वैदिक काल की जो मुद्रा होती थी उसे निस्क, और हिरण कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन की जो मुद्रा होती थी उसे निस्क और हिरण कहा जाता था। जबकि उत्तर वैदिक काल की जो मुद्रा थी, उसे सतनाम और पाद मुद्रा कहा जाता था, उत्तर वैदिक काल की जो मुद्रा थी उसे सतनाम और पाद कहा जाता था, और ऋग वैदिक काल की जो थी उसे निस्क और हिरण्य कहा जाता था। इसके बाद अगर हम देखें तो सर्वाधिक सिक्कों का जो सर्वाधिक काल रहा है वो मौर्योत्तर, मौर्योत्तर काल में देखेंगे तो सर्वाधिक सिक्कों का जो काल रहा है वह मौर्योत्तर काल ही रहा है। मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए। वो मौर्योत्तर काल में लगभग जो है, मौर्योत्तर काल का जो टाइम पीरियड रहा है वो लगभग 300 वर्षों का टाइम पीरियड रहा। और 300 वर्षों का इतिहास जो है वह सिक्कों से ही प्राप्त होता है, इसके बाद है धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला जो सिक्का है वह है धर्मचक्र प्रवर्तन, और धर्मचक्र प्रवर्तन नामक जो सिक्का है यह है मिनांडर, हिंद यवन शासक था मिनांडर जो है यह, इसका सिक्का है धर्मचक्र प्रवर्तन। इसके बाद अगला जो सिक्का है, यह मिनांडर का सिक्का है। इसके बाद जो अगला सिक्का है वह है, अगर हम देखें तो दिरहम, नामक सिक्का जो है यह अरबों के द्वारा चलाया गया था सिंध में। दिरहम सिक्का कहाँ चलाया गया था, तो यह अरबों के द्वारा, सिंध में चलाया गया था। अगला जो सिक्का है, यह जो सिक्का था यह कुमारगुप्त का सिक्का था,
या अगर देख लें तो भारत में सर्वाधिक सोने का सिक्का जो चलाया था वह सोने का सिक्का सबसे पहले किसके द्वारा चलाया गया था भारत में, तो कुजुल कटफिशेस, सोने का स्वर्ण सिक्का जो सबसे पहले चलाया गया था वह कुषाण वंश का एक शासक था कुजुल कटफिशेस, कुजुल कटफिशेस, कुजुल कटफिशेस, कुजुल कटफिशेस जो था भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, तो कुषाण वंश का शासक था कुजुल कटफिशेस। और सबसे पहले लेखयुक्त सिक्के जो प्रचलन में लाया गया वो हिंद यवनों के द्वारा लाया गया। सबसे पहले लेखयुक्त जो सिक्का था, लेखयुक्त सिक्का यह हिंद यवनों के द्वारा प्रचलन में लाया गया, हिंद यवनों के द्वारा जो है यह सिक्का सबसे पहले लेखयुक्त सिक्का जो है प्रचलन में लाया गया। अगला जो है हुविस्क के द्वारा, हुविस्क जो था यह भी कुषाण वंश का ही शासक था, और हुविस्क के सिक्के पर शिव यानी भगवान शिव विष्णु और अश्कंद, यानी कि शिव विष्णु और अस्कंद की, अस्कंद जो है वो किसके मुद्रा पर छपा होता था, तो वो हुविस्क ने जो है इस प्रकार की मुद्रा चलाया था जिसपे शिव विष्णु और अस्कंद इनका जो है चित्रांकन छपा होता था। अगला है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा रजत मुद्रा का प्रचलन किया गया, रजत मुद्रा का प्रचलन जो है किसके द्वारा किया गया, तो वह चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। और सर्वाधिक सिक्कों का जो काल रहा है वो गुप्त काल रहा है, सर्वाधिक सिक्कों का काल रहा है वह गुप्त काल था। अगला है चोल में यानी कि चोल जो थे वो दक्षिण भारत में चोल वंश एक था, तो चोल वंश में जो सिक्का प्रचलित था उसे कासु कहा जाता था, कासु जो था यह चोल साम्राज्य में चलने वाला एक सिक्का था, कासु चोल साम्राज्य में चलने वाला एक सिक्का था। अगला जो है शासक का नाम आता है कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के द्वारा मध्य भारत में रजत मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया, तो कुमारगुप्त के द्वारा। अगला जो है मयूर चित्रांकन का जो रजत का सिक्का चलाया गया था वो भी कुमारगुप्त के द्वारा चलाया गया था, मयूर चित्रांकन युक्त सिक्का रजत सिक्का ये किसके द्वारा प्रचलित किया गया था, तो यह कुमारगुप्त के द्वारा ही मयूर का चित्रांकन किया गया था। अगला जो मुद्रा था यह मयूर कार्तिकेय और अस्कंद जो है यह मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित किया गया था, तो यह कुमारगुप्त के द्वारा ही यह सिक्का जो है चलाया गया था। इसके बाद अगला सिक्का अस्कंदगुप्त के द्वारा एक सिक्का चलाया गया था जो जिसपे था बैल और शैव, यानी कि एक तरह से अगर बात करें तो इस बैल को आप नंदी भी कह सकते हो, नंदी और शिव, बैल की आकृति थी, शिव और अस्कंद
यानी कि नंदी शिव और अस्कंद के अस्कंद चित्रयुक्त जो है ये मुद्रा किसके द्वारा चलाया गया था, तो यह गुप्त वंश का अंतिम मजबूत शासक जो था वो अस्कंद गुप्त इसके द्वारा जो है ये मुद्रा चलाया गया था। और अगर देखें तो समुद्र गुप्त के द्वारा भी कई मुद्रा चलाई गई थी, जिसमें समुद्रगुप्त, यह समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त के एक मुद्रा पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, वीणा बजाते हुए मुद्रा जो है किसके द्वारा दिखाया गया है, तो यह समुद्रगुप्त के द्वारा चलाया गया था यह मुद्रा। इसके बाद इसकी मुद्रा पे अश्वमेघ युक्त जो मुद्रा चलाया गया था वो भी जो है समुद्रगुप्त के द्वारा ही चलाया गया था। इसके बाद परशु युक्त मुद्रा जो थी ये भी समुद्रगुप्त के द्वारा ही चलाई गई थी। इसके बाद गरुड़ युक्त मुद्रा जो थी ये भी समुद्रगुप्त के द्वारा ही चलाई गई थी। और धनुष तीर युक्त, धनुष तीर युक्त जो मुद्रा चलाई गई थी ये भी समुद्रगुप्त के द्वारा ही चलाई गई थी। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद आप नोट करते चलिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद जो और मुद्रा है वह है, चूँकि सबसे पहले जो है अमीर महमूद जो है किसके सिक्कों पर अंकित था, तो महमूद गजनवी के सिक्के पर अमीर महमूद जो लिखा हुआ था वो महमूद गजनवी के सिक्कों पर लिखा हुआ था। इसके सिक्कों पर विश्व का प्रथम सुल्तान भी लिखा हुआ है। इसके बाद देखेंगे तो किसके सिक्के पर कालिया और लक्ष्मी का चित्रांकन है, लक्ष्मी और कालिया का, तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर कालिया और लक्ष्मी का चित्रांकन जो है वो किसकी मुद्रा पे है, तो मोहम्मद गोरी की मुद्रा पे है। और अमीर महमूद के सिक्कों पर चित्रांकन है, तो यह महमूद गजनवी के सिक्कों पर है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत में अगर हम बात करें गुलाम वंश में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है किसी प्रकार का कोई टकसाल वगैरह नहीं छापी जाती, किसी प्रकार कोई मुद्रा नहीं चलाई जाती है। तो हम चलते हैं इल्तुतमिश जो था इसके द्वारा कई मुद्रा चलाई गई हैं। शुद्ध अरबी मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई थी, तो शुद्ध अरबी मुद्रा जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा टंका और जीतल नामक दो मुद्रा चलाई गई थी। टंका मुद्रा किसकी थी तो वह चांदी की थी। और जीतल जो था यह तांबा का था, टंका जो था यह चांदी धातु की थी और जीतल जो था यह तांबे धातु का था, और यह इल्तुतमिश के द्वारा ही चलाया गया था। और सबसे पहले जो है खलीफा जो है खलीफा शब्द
किसकी मुद्रा पे मिलता है? तो ये इल्तुतमिश की मुद्रा पे ही खलीफा शब्द जो है यह मिलता है। और इसने टंका मुद्रा पर इसने जो है रजिया का नाम का भी इसने उत्कीर्ण करवाया है। रजिया नाम भी इसने जो है टंका मुद्रा पर उत्कीर्ण करवाया है। तो ये जो है इल्तुतमिश के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण इसके सिक्के थे इल्तुतमिश। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे अगर बढ़ते हैं तो इसके बाद देखते हैं हम, इल्तुतमिश हो गया। इल्तुतमिश के बाद इसको आप नोट करते चलिएगा साथ ही साथ। इसके बाद है इल्तुतमिश के बाद अगर देखें हम तो अगला जो नाम आता है वह है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसके द्वारा जो है इसके सिक्कों पर इसने जो सिक्का का जो प्रचलन किया था इसके सिक्कों पर सिकंदर द्वितीय या सिकंदर ए सानी इसके सिक्कों पर सिकंदर द्वितीय या सिकंदर ए सानी लिखा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगर हम देखेंगे तो नाम आता है मोहम्मद बिन तुगलक इसने जो है एक स्वर्ण सिक्का चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भी एक स्वर्ण सिक्का चलाया जाता है। इसके बाद है FST फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा देखें तो इसके द्वारा अद्धा मुद्रा चलाया जाता है। इसके बाद इसके द्वारा बिख अद्धा और बिख मुद्रा जो है किसके द्वारा चलाई जाती है? तो अद्धा और बिख मुद्रा जो है ये फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा ही चलाया जाता है। इसके बाद इसी के द्वारा संसगनी एक मुद्रा चलाया जाता है। संसगनी तो संसगनी मुद्रा जो है ये किसके द्वारा चलाया जाता है? तो संसगनी जो मुद्रा है यह चलाया जाता है FST के द्वारा, संसगनी मुद्रा। अगला जो मुद्रा है वह है विजयनगर साम्राज्य में जो है कुछ मुद्रा चलाई गई थी। विजयनगर साम्राज्य, आप जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो है महमूद गजनवी के द्वारा, विजयनगर साम्राज्य जो है एक हिंदू साम्राज्य था और यह MBT के समय दक्षिण भारत में अस्तित्व में आया था। 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध स्वर्ण सिक्का था उसे वराह या पैगोडा कहा जाता था। और दूसरा जो सिक्का था विजयनगर में वह प्रताप या कड़ाम जो था यह विजयनगर का स्वर्ण का छोटा सिक्का था। यह किसका था? तो यह स्वर्ण का सिक्का था और यह छोटा सिक्का था। स्वर्ण का जो छोटा सिक्का था उसे विजयनगर में क्या कहा जाता था? उसे प्रताप या कड़ाम कहा जाता था। अगला जो सिक्का था वह तार जो था यह विजयनगर साम्राज्य में चांदी का छोटा सिक्का था। यह चांदी का छोटा सिक्का जो था वो विजयनगर साम्राज्य में सिक्का कहा जाता था। तो चांदी का जो छोटा सिक्का होता था उसे विजयनगर साम्राज्य में उसे तार कहा जाता था और सोने का जो छोटा सिक्का होता था उसे विजयनगर साम्राज्य में कड़ाम
कड़ाम या प्रताप कहा जाता था, और सबसे प्रसिद्ध जो सिक्का होता था उसे बराह या पैगोडा कहा जाता था, बराह या पैगोडा कहा जाता था। और आगे चल करके देखेंगे तो पैगोडा नामक सोने का सिक्का, पैगोडा स्वर्ण सिक्का जो है आधुनिक भारत में देखेंगे तो डचों के द्वारा जो है यह पुलिकट में चलाया गया था, पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्का विजयनगर साम्राज्य में चलाया गया था, और पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्का डचों के द्वारा जो है ये पुलिकट में चलाया गया था। इसके बाद अगर दक्षिण भारत में थोड़ा सा देख लें तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक है, और टीपू सुल्तान जो है यह हैदर अली का पुत्र है। हैदर अली के बाद जो है ये सुल्तान बनता है। तो इसने हिंदू देवी देवताओं के जो है चित्रांकन युक्त इसने मुद्रा चलाया था, किसके द्वारा चलाया गया था। और अगली जो मुद्रा इसने चलाई थी तो हिंदू पंचांग या कैलेंडर को लेकर के जो है जारी करने युक्त इसने जो है एक मुद्रा प्रचलित किया था। तो ये मुद्राएं दोनों जो है ये टीपू सुल्तान के द्वारा ये दोनों मुद्राएं प्रचलित की गई थी। इसके बाद है अगला जो मुद्रा है वह है, अब हम आते हैं मुगल वंश में और मुगल वंश में बात करते हैं बाबरी नामक सिक्का जो है किसके द्वारा चलाया गया था, बाबर के द्वारा चलाया गया था। इसके बाद शाहरुख सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था काबुल में, तो शाहरुख सिक्का बाबर के द्वारा चलाया गया था काबुल में। शाहरुख सिक्का काबुल में बाबर के द्वारा ही चलाया गया था। इसके बाद अगला जो सिक्का है शेरशाह सूरी जो था यह सूर वंश का संस्थापक था, अफगान था, आगे चल करके जो है मुगल वंश को बीच में जो है पतन करके इसने जो है सूर वंश की स्थापना कर दिया था। तो इसने जो है रुपया नामक सिक्का शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। और रुपया को ही आधार बना करके आगे जो अंग्रेजों की मुद्रा प्रणाली आधारित थी, शेरशाह सूरी के रुपया पर ही क्या थी यह
आधारित थी। रुपया नामक जो है सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, तो रुपया नामक सिक्का जो है ये शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। और इसने जो है दाम नामक, इसके द्वारा जो है एक सिक्का चलाया गया था जिसका नाम था दाम है। दाम नामक सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, तो दाम नामक जो सिक्का था वह शेरशाह सूरी के द्वारा ही चलाया गया था। दाम नामक सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, तो शेरशाह सूरी के द्वारा। दाम सिक्का जो था यह शेरशाह सूरी के द्वारा ही चलाया गया था। इसके बाद शेरशाह सूरी के बाद आते हैं हम, इसके बाद है शाहजहां। शाहजहां, शाहजहां के द्वारा एक सिक्का चलाया जाता है, शाहजहां के द्वारा आना। आना सिक्के का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था, तो आना सिक्के का जो प्रचलन था वो शाहजहां के द्वारा किया गया था। आना सिक्का का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था, तो यह शाहजहां के द्वारा, आना शाहजहां के द्वारा ही चलाया गया था। आना सिक्का का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था, तो आना सिक्का का प्रचलन शेरशाह सूरी किया गया था। इसके बाद है शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के द्वारा जो है वह तांबे का, शेरशाह सूरी के द्वारा तांबे का पैसा एक चलाया गया था, शेरशाह सूरी तांबे का पैसा। तांबे का पैसा किसके द्वारा चलाया गया था, तो शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। एक और एफएसटी के द्वारा, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक सिक्कों पर अपना और अपने पुत्र फतेह खां, अपना और पुत्र फतेह खां के साथ जो इसने एक सिक्का जारी किया था। एफएसटी के द्वारा जो है अपना पुत्र फतेह खां और अपने के साथ जो है सिक्का जारी किया था। जबकि आपने देखा था कि इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जो है टंका पर, टंका नामक मुद्रा पर जो है अपना और अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना का जो है नाम उसने जो है उत्कीर्ण करवाया था। तो एफएसटी ने अपने पुत्र फतेह खां का और इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का। इसके बाद जो अगला सिक्का है, एमबीटी के द्वारा एक आना, सो आने सिक्का चलाया गया था एमबीटी के द्वारा। एमबीटी के द्वारा एक सिक्का चलाया गया था आना, और जो किसका था, तो यह स्वर्ण का था। यह जो है आना एक किसका सिक्का था, तो यह स्वर्ण सिक्का था। अगला है, अगला जो शासक है वह है अकबर। अकबर के द्वारा मुगल काल में या अब तक के सर्वाधिक जो सिक्के चलाए गए हैं वो अकबर के द्वारा चलाए गए हैं। अब तक के सर्वाधिक सिक्के किसके द्वारा चलाए गए हैं, तो अकबर के द्वारा, मुगल वंश का शासक था अकबर। अकबर, यदि हम अकबर के द्वारा देखें तो अकबर की एक मुद्रा थी जिसपे राम और सिया, जिसपे जो है राम और सिया का चित्र अंकन था, राम प्लस सिया। राम और सिया का एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, राम और सिया का चित्रांकन जो है किसकी मुद्रा पर मिलता है, तो अकबर के चित्रांकन। इसके बाद है अगला जो मुद्रा है वह है दिनार। अगली मुद्रा कौन सी है, वह दिनार, सॉरी दिनार नहीं, इलाही जो है यह एक गोलाकार मुद्रा थी और यह 10 रुपये के बराबर थी। इलाही मुद्रा जो है यह 10 रुपये के बराबर थी, और यह कैसे, इसका आकार कैसा था, तो गोलाकार, 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 गोलाकार मुद्रा जो है इलाही थी, और यह किसके द्वारा चलाई गई थी, तो यह अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा जो है यह गोलाकार और इलाही मुद्रा चलाई गई थी। इसके बाद है अगला, किसके मुद्रा पर बांझ और तिथि का चित्रांकन है, किसके मुद्रा पर बांझ और तिथि का चित्रांकन है, तो बांझ प्लस तिथि। बांझ और तिथि का चित्रांकन किसके मुद्रा पर है, चित्रांकन, बांझ और जो है तिथि का चित्रांकन किसकी मुद्रा पे है, तो यह
अकबर की मुद्रा पे ही है, अकबर ने ही इसको चलाया था। इसके बाद किसकी मुद्रा पर, किसकी मुद्रा प्रारंभिक मुद्रा पर, अकबर की अगर प्रारंभिक मुद्रा पर देखें तो प्रारंभिक मुद्रा पर देखें तो इसकी मुद्रा पे कलमा और खलीफाओं का नाम खुदा हुआ है। कलमा और खलीफाओं का नाम, कलमा और खलीफाओं का नाम प्रारंभिक किसकी मुद्राओं पर छपा हुआ है, तो यह अकबर की मुद्राओं पर ही जो है यह छपा हुआ है। इसके बाद है मुहर। मुहर मुहर जो था यह एक सोने का सिक्का था। मुहर किसके सिक्का था, सोने का मुहर, यह सोने का सिक्का था और यह अकबर के द्वारा चलाया गया। यह काफ़ी फेमस सिक्का था, यह काफ़ी फेमस सिक्का है। इसके बाद है जिलाली। जिलाली जिलाली जो था यह अकबर के द्वारा चलाया गया ही सिक्का था। जिलाली अकबर के द्वारा ही चलाया गया सिक्का था और यह वर्गाकार था। यह कैसा था, तो यह वर्गाकार था। जिलाली सिक्का अकबर का था, वर्गाकार था और यह चांदी का था। यह किसका था, तो यह चांदी का था। जिलाली सिक्का जो है यह अकबर के द्वारा चलाया गया था और यह चांदी का ही सिक्का था। यह चांदी का ही सिक्का था। और किसकी मुद्राओं पर, किसकी मुद्राओं पर सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा और महिला युक्त जो है पद्य, महिला युक्त जो है पद्य किसकी मुद्राओं पर अंकन है, तो अकबर की ही। महिला युक्त पद्य जो है ये अकबर के द्वारा ही चलाया गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से जो है, और इसके द्वारा एक बहुत प्रसिद्ध सिक्का चलाया गया था, संसद। इससे पहले आपने देखा था संसगनी और ये है संसद। संसगनी जो चलाया गया था वह FST के द्वारा चलाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जबकि ये संसद जो है यह भी स्वर्ण सिक्का था। संसद यह स्वर्ण सिक्का था और यह सबसे बड़ा सिक्का जो था वो संसद था। और यह किसके द्वारा चलाया गया था, तो अकबर के द्वारा ही चलाया गया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि सर्वाधिक सिक्के वो किसके द्वारा चलाए गए हैं, तो सर्वाधिक सिक्के जो है वह अकबर के द्वारा चलाए गए हैं। यानी कि देखेंगे इसके मुद्राओं पर रामोसिया का चित्रांकन था। इसके बाद इलाही जो 10 रुपये के बराबर था, गोलाकार था, इलाही को भी इसने चलाया था। इसके बाद इसकी मुद्राओं पर बांझ और तिथि का चित्रांकन भी था। इसके बाद इसने जो इसकी जो प्रारंभिक मुद्राएं थी उस पर जो है कलमा खुदा होता था और खलीफाओं का नाम का चित्रांकन होता था। इसके बाद मुहर नामक सोने का सिक्का किसने चलाया, तो अकबर ने चलाया। इसके बाद जिलाली जो था यह वर्गाकार और चांदी का सिक्का था, तो यह अकबर ने चलाया। इसके बाद सूर्य और चंद्रमा तथा महिला युक्त जो है पद्य किसकी मुद्राओं पर अंकन था, तो यह अकबर की ही मुद्राओं पर अंकन था। इसके बाद संसद नामक स्वर्ण सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, तो संसद नामक स्वर्ण सिक्का जो था वह अकबर के द्वारा ही चलाया गया था। इसके बाद थोड़ा सा एक दो सिक्का छूट गया है, उसको भी देख लीजिए। अगर आप देखेंगे तो प्राचीन इतिहास में दक्षिण भारत में एक वंश हुआ कहता था सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश जो थे ये दक्षिण में थे, ये दक्षिण भारत में थे। सातवाहन वंश दक्षिण भारत में थे और इनके द्वारा, सातवाहनों के द्वारा जो है सीसा और पोटीन के सिक्के चलाए गए थे। सीसा पोटीन और तांबा। तो सीसा और पोटीन की मुद्रा जो है सबसे पहले, सिक्का जो है सबसे पहले किसके द्वारा प्रचलित किया गया, तो सीसा पोटीन ये सिक्के जो है सबसे पहले सातवाहनों के द्वारा क्यों चलाया गया, क्योंकि मध्य या दक्षिण भारत में लगभग चांदी की कमी की वजह से इन्होंने जो है सीसा और पोटेन के धातुओं का प्रचलन किया। और एक शासक था सातवाहन का ही, सतकर्णी, इसने जो है एक मुद्रा का प्रचलन किया था जिसकी
जिसकी मुद्रा पर जलयान का चित्रांकन है। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनकी मतलब कि सातवाहनों के पास नौसेना भी थी, सातवाहनों के पास जो है खुद की नौसेना थी, और इस बात का प्रतीक इसकी मुद्रा है जिसपे इसके द्वारा जो है जलयान का जो है चित्र अंकन किया गया है। सत्कर्णी प्रथम की ही मुद्रा थी। इसके बाद अगर देखेंगे तो सर्वाधिक गुप्तों के द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए गए। स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? सर्वाधिक गुप्तों के द्वारा ही जारी किए गए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया, आप देखेंगे मध्य भारत में एमबीटी के द्वारा जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था, और ये सफल नहीं हुआ। अंततः जो है फिर से इसको चांदी की मुद्रा ही प्रचलित करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ से जो है काला बाजारी बहुत तेज़ी से फैल गया, यानी काला धन जो है मार्केट में बहुत तेज़ी से ब्लैक मनी आने लगा। और यह जो प्रेरित था वह मंगोल शासक कुबैल खां यह जो इसी से प्रेरित होकर के इसने जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। और यह जो कुबैल खां था इसने जो है कागज़ की मुद्रा का प्रचलन किया था, यह कुबैल खां था, मंगोल का शासक था। इसके बाद देख लेते हैं अकबर के बाद फिर जहांगीर के शासनकाल में देखेंगे तो इसके सिक्कों पर इसके साथ साथ नूरजहां का भी चित्रांकन मिला है। नूरजहां का मतलब कि इसके सिक्कों पर एक महिला हाथ में शराब का प्याला, यानी कि महिला हाथ में जो है शराब का प्याला लिए हुए किसकी मुद्रा पे जो है ये चित्रांकन किया गया है, ये किसकी मुद्रा थी, तो ये जहांगीर की ही मुद्रा थी जिस पे महिला जो है हाथ में शराब लिए हुए खड़ी है। ये चित्रांकन इसकी मुद्राओं पे दिखाया गया है जहांगीर की। इसके बाद अगला जो सिक्का है इसका एक सिक्का है निसार नामक जो है सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, तो निसार सिक्का जो है यह जहांगीर के द्वारा ही चलाया गया था। और निसार जो है यह एक चौथाई रुपए के बराबर था निसार, और यह निसार सिक्का जो है जहांगीर के द्वारा चलाया गया था। इसके बाद अगला जो सिक्का है शाहजहां के द्वारा आना सिक्का चलाया गया था। और यह सोने का सिक्का था। और एक देखेंगे गुप्त काल में एक शासक था, अयोग्य शासक था रामगुप्त, उसने जो है तांबे का सिक्का चलाया था। और
मध्य भारत में लगभग बयाना से, मध्य भारत में लगभग महाराष्ट्र के बयाना क्षेत्र में, बयाना से गुप्तों के समय में लगभग 800 मोहरें प्राप्त हुई थी। लगभग 800 मोहरें, 800 मोहर जो है यह बयाना से गुप्त काल में ही प्राप्त हुई थी। गुप्त काल में ही 800 मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो गुप्त काल में 800 मोहरें जो है ये बयाना से प्राप्त हुई थी। इसके बाद अगला जो, अगली जो मुद्रा है वह किस शासक की है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब इसने जो है मुद्राओं पर कलमा खुदाना बंद कर दिया। इसने जो है मुद्राओं पर कलमा खुदाना बंद कर दिया। कलमा खुदाना बंद किसने कर दिया, तो कलमा खुदाना बंद जो किया वो औरंगजेब के द्वारा किया गया, औरंगजेब के द्वारा। और इसने एक मुद्रा का प्रचलन किया था जिसमें मीर अब्दुल बाकी, जिसकी मुद्रा पर मीर अब्दुल बाकी और शाहबाई मीर अब्दुल बाकी और शाहबाई जो है ये किसके सिक्के पर इसका चित्रांकन किया गया है, तो मीर अब्दुल बाकी और शाहबाई का चित्रांकन जो है ये औरंगजेब के सिक्कों पर किया गया है। किसके सिक्कों पर किया गया है, तो ये औरंगजेब के सिक्कों पर किया गया है। इसके बाद देख लेते हैं कुछ सिक्कों के सिक्के के बारे में देख लेते हैं सिक्के के बारे में देख लेते हैं। तो यह पंजाब के सिखों के द्वारा भी कुछ सिक्के चलाए गए थे जिन्हें देंग तेंग और फतेह जो है यह मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई थी, तो देंग तेंग फतेह मुद्रा जो है यह पंजाब के सिखों के द्वारा चलाई गई थी। और अगली जो मुद्रा है वह रणजीत सिंह के द्वारा, सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा जो है नानकशाही मुद्रा चलाई गई थी। महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा इसके बाद देख लेते हैं थोड़ा बहुत कुछ सिक्के और छूट गए थे उसको भी देख लेते हैं। एक शासक का नाम आता है पालवंत का, एक शासक था जिसका नाम था देवपाल जो था यह पालवंश का शासक था जो बंगाल में शासन कर रहे थे। तो देवपाल के जो है यह 6 सिक्के प्राप्त हुए हैं, इसके समय कुल 6 सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं। छह सिक्के किसके समय प्राप्त हुए हैं, तो 6 सिक्के जो है यह देवपाल के समय प्राप्त हुए हैं जो पालवंश का एक शासक था। इसके बाद अप्रतिरथ और व्याघ्र प्रमाण, समुद्रगुप्त की ये दो मुद्राएं छूट गई थी। अप्रतिरथ और व्याघ्र पराक्रमांक जो मुद्रा है ये समुद्रगुप्त की मुद्राएं हैं। तो ये दो मुद्रा समुद्रगुप्त की छूट गई थी, तो इसको भी हमने थोड़ा नोट करवा देते हैं। इसके बाद अगली जो मुद्रा है वह है, थोड़ा सा देख लें, अभी हमने जिक्र किया था करसाड़पण। यह मुद्रा जो है सबसे पहले करसाड़पण शब्द का जो जिक्र किया गया है वह
अष्टाध्यायी में सबसे पहले इसका कर्सार्पण शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो यह अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी जो है यह है पाणिनि की रचना है। यह किसकी रचना है? यह पाणिनि की रचना है। पाणिनि अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी जो है यह पाणिनि की रचना है। और सबसे पहले जो है कर्सार्पण शब्द का जिक्र इसकी इन्हीं की रचना में जो है कर्सार्पण में ही हुआ है। कर्सार्पण में ही जो है सबसे पहले तो अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है और इसी में जो है यह शब्द का जिक्र किया गया है कर्सार्पण का। इसके बाद अगला जो है देख लेते हैं। मौर्यकालीन में जो टकसाल का अध्यक्ष होता था उसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। ये कई बार पूछा गया, ये शब्दावली जो है कई बार पूछी गई है। मौर्यकाल में टकसाल का जो अध्यक्ष होता था, मौर्यकाल में टकसाल अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। लक्षणाध्यक्ष ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मौर्यकाल में टकसाल के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो मौर्यकाल में टकसाल के अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। टकसाल के अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। इसके बाद अगला जो है एक शासक है नहपान जो था यह नहपान के सिक्कों पर राजा शब्द का उल्लेख मिला है। राजा शब्द का उल्लेख किसके सिक्के पर मिलता है? तो राजा शब्द का उल्लेख जो मिला है वह नहपान के सिक्कों पर मिला है। नहपान के सिक्कों पर ही राजा शब्द का प्रयोग मिला है। राजा शब्द का प्रयोग नहपान के सिक्कों में मिला है। और रोमन प्रणाली के जो सिक्के थे, सबसे पहले रोमन प्रणाली के सिक्के भारत में किसके द्वारा प्रचलित किए गए? तो सबसे पहले रोमन प्रणाली के जो सिक्के भारत में प्रचलित किए गए थे वह कुषाणों के द्वारा किए गए थे। सबसे पहले भारत में रोमन प्रणाली के सिक्के जो चलाए गए थे वह कुषाणों के द्वारा चलाए गए थे। सबसे पहले भारत में रोमन प्रणाली के सिक्के जो चलाए गए थे वो किसके द्वारा चलाए गए थे? तो रोमन प्रणाली के जो सिक्के चलाए गए थे भारत में वह कुषाणों के द्वारा ही चलाए गए थे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वह है मौर्यकाल में एक विभाग होता था टकसाल से संबंधित विभाग था, जो मुद्रा का परीक्षण करता था या टकसाल का जो परीक्षण करता था उसको क्या कहा जाता था? ठीक, तो मौर्यकाल में टकसाल परीक्षण जो होता था वह जो उसका परीक्षण करता था टकसाल का उसे क्या कहा जाता था? तो उसे रूप दर्शक। मौर्यकाल में टकसाल के परीक्षण करने वाले को रूप दर्शन कहा जाता था। इस तरह से ये पूरा टॉपिक आज जो है ये कंप्लीट होता है। और ये जो है ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है इतिहास जानने के स्रोत में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है तत्कालीन समय में। जो है यहाँ से आप किसी भी शासक के बारे में जो है आप पता लगा सकते हैं कि उसके समय की उसकी स्थिति परिस्थिति कैसी थी तत्कालीन समय की, सामाजिक आर्थिक ये सारी स्थितियाँ जो है आप पढ़ने से पहले हमने जो है इसका पूरा सा थोड़ा सा जो है वो बैकग्राउंड देख लिया था हमने कि किस तरह से जो है किसके समय में
कैसे कैसे जो है परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये परिवर्तन जो है सिक्कों के माध्यम से भी पता लगाया जा सकता है। तो आज का टॉपिक यही है, लेकिन एक छोटा सा और इस पर वीडियो होगा। वो जो वीडियो होगा वो हम अभी हमने देखा कि इसमें हमने स्वर्ण मुद्रा, इसके बाद चांदी की मुद्राएं, इसके बाद तांबे की मुद्राएं, वो सभी प्रकार की मुद्राएं हमने देखा। लेकिन आगे चल करके हम इसको आगे से क्लासिफाई कर देंगे, स्वर्ण मुद्रा कौन सी है, किसके द्वारा कब चलाई गई, चांदी की मुद्रा किसके द्वारा कब चलाई गई, और इसके बाद तांबे की मुद्रा किसके द्वारा कब चलाई गई। तो एक छोटा सा उस पर वीडियो होगा और वो एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा जो कन्फ्यूजन रहेगा स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा और कांस्य मुद्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है एकदम वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। इसलिए अब यहीं पे आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय भारत, जय हिंद।